हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपको आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किसी बिम्स्टेक देशों के मध्य होता है। आपको ये बताना है इन छह अभ्यासों में से कौन सा अभ्यास भारत और बिम्स्टेक देशों के बीच होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले यही जानना होगा कि बिम्स्टेक में कितने देश हैं और कौन कौन शामिल हैं। तो आप जानते हैं बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं। इनमें से पहला बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा नेपाल, छठा भूटान और सातवां थाईलैंड। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है। यदि हम बात करें एक्वेरिन का, तो ये अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया जाता है और मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, यानी कि वन को आप हटा देंगे। संप्रीति की यदि हम बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय किया जाने वाला मिलिट्री अभ्यास है, यानी कि आप इसे चुनेंगे। मिलेक्स की हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये बिम्स्टेक देशों के बीच होने वाला एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, जबकि आपको प्रश्न में द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में पूछा गया है, आप तीसरे को हटा देंगे। चौथे की यदि हम बात करें, यानी कि समुद्र लक्ष्मण का, तो ये भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है और मलेशिया जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, आप इसे भी हटा देंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है और सिंगापुर बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, आप इसे भी हटा देंगे। सूर्य किरण, ये नेपाल के साथ भारत के द्वारा किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है, यानी कि आप इसे चुनेंगे। यानी कि आपने एक एक करके सारा देख लिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। हालांकि युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस प्रकार के वातावरण निर्मित हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सतर्क रहेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह DRDO और इसरो की एक संयुक्त पहल है। फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रोग्राम जो है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है यह घने पेड़ों के नीचे या एक संरचना के अंदर भी मानव की उपस्थिति का पता लगाने में सहायता करेगा, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप हाइपर इमेजिंग प्रोग्राम के बारे में जान लें तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रोग्राम का, तो इस प्रोग्राम को भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था, देश में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को देखने के लिए, इसलिए ताकि बॉर्डर वाले एरिया से यदि कोई व्यक्ति भारत में घुसने की कोशिश करता है, चाहे वो क्षेत्र दलदल वाले इलाकों में हो, चाहे वो क्षेत्र सूखे वाले इलाके में हो, चाहे वो क्षेत्र किसी वन वाले क्षेत्र में हो, उन बॉर्डर वाले क्षेत्रों में व्यक्तियों की अवैध गतिविधि की निगरानी रखने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के दूसरे अन्य फायदा है, लेकिन हम इसे जानेंगे। इससे पहले आप ये जानिए कि इसमें इतनी क्षमता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे पेड़ों के नीचे भी छिपा हुआ है, तब भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जो ड्रोन भेजा जाएगा उस क्षेत्र की निगरानी करने के लिए, वो देखने में सक्षम होगा। इतनी शक्तिशाली कैमरे को इस ड्रोन के अंतर्गत लगाया गया है। यहां जो दूसरा कथन लिखा था वो यही कह रहा था कि घने पेड़ों के नीचे या फिर किसी संरचना के अंदर भी कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसे भी ड्रोन के माध्यम से देखा जा सकता है, उन लोगों की सही सही गिनती की जा सकती है कि कितने लोग हैं, और उसे
एल्गोरिथमिक मेथड से प्रोसेसिंग किया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, उसके बाद उसे संबंधित जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी संस्थान है उनको भेज दिया जाएगा ताकि बेहतर निगरानी की जा सके। अब हम देखते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या कह रहा था कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट के जरिए ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर के जरिए इमेज कैप्चर की जाएगी। जी नहीं, गलत है, ये कोई भी सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी करने की कोई प्रयत्न नहीं करेगा, ये ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने के लिए इसे निर्मित किया गया था। हालांकि इसमें ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया जाएगा। इसके दूसरे फायदों की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके किसी क्षेत्र में सूखा का स्तर कितना है, मिट्टी में नमी कितनी है, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मौजूदगी कितनी है, यदि कोई फसल है तो उसे बीमारी हुई है, उसे किस प्रकार से बीमारी, वह बीमारी किस प्रकार से फैल रहा है, इत्यादि को भी निगरानी करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रोग्राम से जो ड्रोन भेजा जाएगा उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो पहला गलत है क्योंकि इसे DRDO और इसरो के द्वारा नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था। यदि हम बात करें तीसरे का, तो ये भी गलत है क्योंकि ये ड्रोन के माध्यम से निगरानी की बात करता है। दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आई होप आपने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रोग्राम से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको समझ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सैटेलाइट होंगी वो इतनी सक्षम होंगी कि छोटी छोटी चीजों को भी वो देख सकेंगी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, रक्षा तकनीक के संबंध में पोसाइडोन क्या है? आपको बताना है पोसाइडोन के बारे में जो यहाँ चार कथन लिखे गए हैं उनमें से कौन सा सही है। पहला कहता है एंटी सबमरीन वारफेयर विमान जिसे भारत ने इजराइल से प्राप्त करने की योजना बनाई है। दूसरा कहता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान जिसे भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त करने की योजना बनाई है। तीसरा कहता है नौसेना का बहुभूमिका वाला हेलीकॉप्टर जिसे भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त करने की योजना बनाई है। चौथा कहता है बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान जिसे भारत रूस से प्राप्त करने की योजना बना रहा है। फ्रेंड्स आप याद रख लें, पोसाइडोन जो है वो एक प्रकार का एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि पोसाइडोन क्या है, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान है। कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसा विमान है जो समुद्र में, यानी कि भारत के समुद्र वाले इलाके में जहां तक भारत की समुद्री सीमा है, आप जानते हैं 7500 से ज्यादा हमारी समुद्री सीमा है, तो जो हमारी समुद्री सीमा है उस क्षेत्र में यदि कोई बाहरी तत्व, चाहे वो पनडुब्बी हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई जहाज के माध्यम से भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको निगरानी करने के लिए एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है फ्रेंड्स, ये एक घंटे में 450 मील तक जाकर सफर कर सकती है और देख सकती है, जाकर वापस लौट सकती है कि भारत का जो क्षेत्र है वहां पर कोई सबमरीन या फिर पनडुब्बी जो है वो आ रहा है, क्या भारत को निगरानी करने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति आने की कोशिश कर रहा है भारत के क्षेत्र में, इन सारी चीजों को निगरानी करने की कोशिश इसके माध्यम से की जाएगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी है क्योंकि भारत ऐसी योजना बना रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे खरीदेगा, अभी तक खरीदा नहीं गया है, इसे खरीदने की योजना बनाई जा रही है। इसमें इतनी क्षमता होगी कि समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे नहीं, जो पानी होता है उसमें, समुद्र में जल के नीचे यदि कोई पनडुब्बी है तो उसको भी मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन तकनीक के माध्यम से
पता लगाया जा सकता है कि वहां पर कौन सा सबमरीन है या फिर कौन सा पनडुब्बी है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें इतनी क्षमता है कि एक साथ, यदि मान के चलिए कि यहाँ पर केरला में कोई अवैध गतिविधि हो रही है, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी हो रही है और साथ ही साथ गोवा के क्षेत्र में भी हो रही है, तो वो एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों को देख सकती है, पहचान सकती है, उनको टोही के रूप में कार्य कर सकती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये क्या है और भारत इसे कहाँ से खरीदने की योजना बना रहा है, आपको ये याद रखना है। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, मिशन शक्ति के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह इसरो द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग करके निचली कक्षा में एक उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता दिखाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन था। दूसरा कथन कहता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब आपको इन दोनों में से मिशन शक्ति के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप निश्चित रूप से इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी बहुत सारे आपको डाउट होंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें मिशन शक्ति का, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से भारत आने वाले समय में विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा, या फिर बन गया है कहिए, जिसके द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से किसी उपग्रह को निगरानी रखा जा सकता है और एक मिसाइल के माध्यम से उस सैटेलाइट को, यदि वो भारत के लिए नुकसानदेह है, तो उसे मारकर गिराने की क्षमता रखता है। ऐसा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन गया है। तो इससे पहले तीन ऐसे शक्तिशाली देश कौन थे? तो आप याद रखेंगे, यूएसए, रूस और चीन ऐसी क्षमता पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब भारत इस क्षमता को प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है, यानी कि दूसरा कथन सही हो जाता है। यदि हम बात करें पहले कथन का, तो यहां बताया गया है कि इसरो के द्वारा इस मिसाइल परीक्षण को किया गया था, यह गलत है, क्योंकि इसे डीआरडीओ के द्वारा किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा किया गया था, इसलिए दूसरा कथन, पहला कथन गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसे समझने के लिए आपको मैप के माध्यम से देखना पड़ेगा, आप इसके माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये माइक्रोसेट था, इसे ही परीक्षण के रूप में मारकर गिराया गया था। जो माइक्रोसेट था वो एक सैन्य इमेजिंग उपग्रह था जिसे मारकर गिराया गया। भारत के द्वारा जो तकनीक उपयोग की गई थी, हिट टू किल तकनीक, उसके माध्यम से एक मिसाइल को भेजा जाता है और वो सटीकता के साथ वो जो माइक्रोसेट था उसे मारकर गिराने में सक्षम हो जाता है। उससे पहले उसे निगरानी रखी जाती है रडार के माध्यम से, और उसी के माध्यम से देखा जाता है कि उसी की सटीकता क्या है, फिर उसे मिसाइल भेजा जाता है और गिरा दिया जाता है। ये शक्ति प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश बन जाता है, इसे आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि किसे मारकर गिराया गया था, तो माइक्रोसेट आर को मारकर गिराया गया था। माइक्रोसेट आर क्या था? तो ये एक सैन्य इमेजिंग सैटेलाइट था या फिर उपग्रह था। एक अन्य बात जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जो सैटेलाइट मारकर गिराने की क्षमता भारत के द्वारा प्राप्त की गई है वो केवल लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित उपग्रहों के मामले में है, यानी कि यदि लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर कोई उपग्रह है तो भारत अभी इस क्षमता को प्राप्त नहीं किया है। यदि लो अर्थ ऑर्बिट में कोई उपग्रह है तो उसे ही भारत के द्वारा मारकर गिराया जा सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए जो मिसाइल तकनीक का उपयोग किया गया था उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि उस तकनीक का नाम है हिट टू किल तकनीक। याद रखेंगे, उस तकनीक का नाम है हिट टू किल तकनीक। आपसे पूछा जा सकता है कि हिट टू किल तकनीक किससे जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखेंगे वो मिसाइल मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ है, पहला तो ये याद रखेंगे। दूसरा, एक ऐसी तकनीक जो मिसाइल के माध्यम से सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें।
एक तरफ रक्षा उपकरण के नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ उसका विवरण दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही रूप से मेल करता है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको पहचानना है। पहला कहता है डोंगफेंग मिसाइल, ये बताता है कि चीन की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा कहता है किंजल, रूस की परमाणु सक्षम वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरा कहता है अरिहंत, परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी। अगला बताता है सुखोई, रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कॉम्बैक्ट लड़ाकू विमान। पांचवा कहता है ध्रुव, डीआरडीओ द्वारा विकसित और निर्मित उपयोगिता हेलीकॉप्टर। अब आपको बताना है कि ये सही रूप से कौन से विवरण दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि भारत के इतने सारे मिसाइल हैं, उनको याद रखें, क्या हम दूसरे देशों के मिसाइलों को भी याद रखें? जी नहीं, यूपीएससी आपसे कह भी नहीं रही है कि उनको आप याद रखें। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए भारत के मामलों को ही ज़्यादा ध्यान देना है। आप देखिए अरिहंत के बारे में, क्या अरिहंत परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी है? देखिए ये क्रूज मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि पहला मतलब तीसरा जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि अरिहंत जो है वो परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, तो इसलिए क्या हो जाता है, तीसरा गलत। आप तीसरा को गलत करते हैं तो बी और डी आपने इलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बच रहे हैं क्या, 1, 2 होगा ही होगा, चौथे को लेकर आपको दिक्कत है। तो हम चौथे को देखते हैं। चौथा क्या कह रहा था कि सुखोई जो है उसे भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और यह एक कॉम्बैक्ट लड़ाकू विमान है। यह बिल्कुल है, ये चौथा बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें पांचवें का, तो पांचवें के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया, तो आपको सोचना ही नहीं था। लेकिन आप याद रखेंगे ध्रुव जो है वो एक हेलीकॉप्टर है जिसे HAL के द्वारा निर्मित किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा ध्रुव को जो हेलीकॉप्टर है उसे निर्मित किया गया है। तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के पास हाइपरिक क्रूज मिसाइल की क्षमता है। हाइपरिक मतलब हाइपरसोनिक, मतलब ध्वनि की गति से भी ज्यादा गति से गमन करने वाला क्रूज मिसाइल किसके पास है, आपको बताना है। आपके पांच नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किस देश के पास ये क्षमता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत और इजराइल आपको दिए गए ऑप्शन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हाइपरसोनिक या फिर हाइपरिक क्रूज मिसाइल है, ऐसा नहीं है। पहले को ही आप एलिमिनेट कर दिया, और पहले को आप जैसे ही एलिमिनेट करते हैं आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्या भारत के पास ऐसी क्षमता है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस का जो दूसरा संस्करण अभी आने वाला है वो उसकी क्षमता हाइपरिक क्रूज मिसाइल के समान होगी, तो आप याद रखेंगे। यानी कि वर्तमान में हाइपरिक क्रूज मिसाइल की क्षमता किसके किसके पास है, केवल रूस के पास और चीन के पास, तो आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें चीन के पास कौन सा हाइपरिक क्रूज मिसाइल है, तो आप याद रखेंगे डोंगफेंग मिसाइल वो है। फिर एवागाद्र मिसाइल जो है वो रूस का है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, अमेरिका के पास अब तक है ही नहीं, हमने देख लिया। जो ब्रह्मोस का दूसरा संस्करण आ रहा है जिसकी दूरी लगभग 300 से ज्यादा होगी, 299 तो अभी ही है, 300 किलोमीटर जो क्षमता से ज्यादा होने वाली है उसमें ये क्षमता होगी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको चार कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है वह सभी त्रिसेवाओं के मामलों में केंद्रीय रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद इसीलिए निर्मित किया गया था ताकि जो रक्षा मंत्री हैं उनको भारत के तीन अलग अलग जो निकाय हैं, तीन अलग अलग जो सैन्य विभाग हैं, उनसे वार्ता ना करना पड़े, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो,
या जल सेना नहीं वायु सेना हो, इनसे अलग अलग बात न करना पड़े, एक ऐसा पद हो जो इन तीनों से वार्ता करेगा और रक्षा मंत्री से संवाद करेगा, इसीलिए इसे निर्मित किया गया था। यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कहता है वह किसी भी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, वह किसी भी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा, किसी भी एक विशेष विभाग का सदस्य नहीं होगा, एक ना तो वो थल सेना का होगा, ना तो जल सेना का होगा, ना तो वायु सेना का होगा, वो किसी को भी आदेश देने का कार्य नहीं करेगा। इनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि इनके प्रमुखों से बात किया जाए और उन लोगों को बताया जाए, उन लोगों से सलाह लिया जाए। यानी कि दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा कहता है वह साइबर और स्पेस से जुड़ी त्रिसेवा एजेंसियों की कमान संभालेगा। आपको ये याद रखना है कि ये जो होगा, मतलब जो डिफेंस स्टाफ का पद निर्मित किया गया है, वो साइबर और स्पेस के क्षेत्र में तीनों जो सेवाएं हैं उनको कमान, उनका कमान संभालने का कार्य जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। चौथा क्या कह रहा था कि वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का प्रमुख होगा। जी नहीं, गलत है, क्योंकि वो उसका प्रमुख नहीं होगा, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होंगे वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सदस्य होंगे, क्योंकि इसके जो प्रमुख होते हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इसका सदस्य बनाया गया है, इसका प्रमुख नहीं बनाया गया है। यानी कि चौथा जो है वो गलत हो जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जब भी आप पढ़ें इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाए। एक अन्य बात, वो 4-स्टार जनरल होंगे, इसे आपको याद रखना है। वो सैन्य विभाग के जो सैन्य मामलों के जो विभाग होंगे उनके सचिव के रूप में कार्य करेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। वो रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य होंगे, इसे मैंने आपको बता लिया है। परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार होंगे, कहने का मतलब है कि जो परमाणु, किसी में परमाणु हमला करना है नहीं करना है, इसके लिए जो अनुमति दी जाएगी वो तो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, लेकिन दिया जाए या फिर न दिया जाए, प्रधानमंत्री को कहा जाए कि परमाणु बम गिरा दो पाकिस्तान में या फिर अभी रहने दो थोड़ा सा, तो इस बात की सलाह इनके द्वारा दी जाएगी। वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप जान रहे हैं, बिपिन रावत। हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है। नवगठित सैन्य मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको तीन कथन दिए गए हैं, फिर से आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बारे में। पहला कथन कहता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जब पद बनाया गया तो उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का भी निर्माण किया गया था, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होंगे वो इसके सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आप इस बात को याद रख लें। दूसरा कथन क्या कहता है, वह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगा या फिर आएगा। ये गलत है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर होगा वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, न कि प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर PMO के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। तीसरा कथन क्या कह रहा था कि यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की गंभीर रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगा। ये एक फैक्ट है, आप इसे याद कर लें। इनको ये अधिकार दिया गया है, मतलब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे उनको ये अधिकार दिया गया है कि DRDO के अंतर्गत जो भी परियोजनाएं चलाई जाएंगी उनको प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने का अधिकार इनको दिया गया है, तो आप याद रखेंगे। यानी कि हम देखें तो इस क्वेश्चन में पहला सही है, तीसरा सही है। अब आप देखिए, दूसरा गलत हो गया। अब आप देखिए यहां आंसर क्या होगा, एक और तीन तो दिया नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, किसको सही मानेंगे? आप क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे? जी नहीं, आप देखेंगे कि पहला तो सही है और यही उसका आंसर है, क्योंकि दूसरा गलत है, और दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ए बी सी, मतलब बी सी डी सब खत्म, बच गया ए, तो ए इसका आंसर हो गया, तो आप इसे याद रखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जिसे आपको याद रखना है।
तो आपको ये ध्यान रखें कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं या फिर जो मिलिट्री अफेयर्स का अलग से विभाग बनाया गया है, उनको कुछ कार्य दिए गए हैं, जैसे कि वो भारत के सशस्त्र सेना के मध्य संवाद के रूप में एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करेगा, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेगा। ये एकीकृत मंत्रालय के रूप में, एकीकृत मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। एकीकृत मुख्यालय किस मामले में? रक्षा मंत्रालय के मामले में, नौसेना के मामले में, वायुसेना के मामले में और जो रक्षा मंत्रालय है उनके मामले में। इन सारे लोगों के लिए एकीकृत मुख्यालय के रूप में यह विभाग कार्य करेगा। ये प्रादेशिक सेनाओं के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश की अलग पुलिस है, वैसे ही NIA अलग है, ऐसे ही अलग अलग जो हमारे सैन्य विभाग हैं या फिर जो प्रादेशिक सेना है उनके साथ भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। पूंजीगत अधिग्रहण को छोड़कर सेवा के लिए विशेष खरीद जो की जाती है उस मामले में भी सरकार को सलाह देने का दायित्व इसे सौंपा गया है। खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफों के संयुक्तता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी कार्य करेगा। सैन्य कमानों के पुनर्गठन की सुविधा के क्षेत्र में कार्य करेगा। सेवाओं द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। कहने का ये मतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा सैन्य चीजों की या फिर इक्विपमेंट को खरीदता है, तो इसको इस बात को कहा गया है कि आप कुछ ऐसे तकनीक अपनाएं, ऐसे कार्य करें जिसके बाद भारत में जो भी हथियार निर्मित किए जाते हैं वहीं से हम खरीदें, ना कि हम इजराइल के पास जाएं, रसिया के पास जाएं। इस बात को ध्यान में रखा गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है। बोल्ट QIT अक्सर समाचारों में देखा जाता है, किसके सबसे निकटता से संबंधित है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन में रडार आधारित प्रारंभिक चेतावनी तकनीक, सीमा प्रबंधन, उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री, स्टील्थ प्रौद्योगिकी। अब आपको बताना है कि बोल्ट QIT किससे जुड़ा हुआ है या फिर किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, आप याद रख लें कि बोल्ट QIT जो है वो सीमा प्रबंधन से संबंधित है। कहने का ये मतलब है कि जो बांग्लादेश का इलाका है, उस बांग्लादेश के इलाके में आपने देखा होगा कि दसों ऐसी नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच से होकर गुजरती हैं। अब बॉर्डर को निगरानी करने के लिए वहां पर फेंसिंग तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि नदी है बीच में या तो दलदल है। तो जो दलदल वाला इलाका है या फिर जो नदी वाला इलाका है उसका फायदा उठाकर जो दूसरे मतलब बांग्लादेश के जो अवैध प्रवासी होते हैं वो भारत में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर जो अवैध गतिविधि होती है वो इन्हीं क्षेत्रों से की जाती है। तो उसे रोकने के लिए जो तकनीक का वो अपनाया जा रहा है, जो ड्रोन के माध्यम से या फिर लेजर लाइट के माध्यम से उस क्षेत्र को निगरानी की जाएगी, उसे ही बोल्ट QIT कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे बोल्ट QIT किससे जुड़ा हुआ है? सीमा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। आप इसे मैप के माध्यम से देखें, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामान्य सीमा की सुरक्षा होती है वो फेंसिंग किया जाता है, और भारत के क्षेत्र में जो भारतीय सेनानी होते हैं वो आवागमन करते हैं और निगरानी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी नदियों वाले क्षेत्रों में ये नहीं किया जा सकता। इस तरह की जो भारतीय सेना को आने जाने में आ जाकर यहाँ पर निगरानी नहीं की जा सकती। तो जिन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है उस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे तकनीक अपनाए जाएंगे, जैसे कि लेजर तकनीक, ड्रोन तकनीक इत्यादि माध्यमों से उस क्षेत्र में निगरानी करने की कोशिश की जाएगी, और इसे ही बोल्ट QIT कहा गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इसे लागू कहाँ पर किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है उसके साथ ये किया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है इस ट्रीटी के बारे में? पहला कथन कहता है कि यह पृथ्वी की कक्षा में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार रखने, उन्हें चंद्रमा या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर स्थापित करने या
अन्यथा उन्हें बाह्य अंतरिक्ष पर तैनात करने से संधि के सदस्यों को रोकता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप यही जानिए कि आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी एक ऐसा समझौता है जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत किया गया था, 1967 में किया गया था। इस बात को लेके ये समझौता किया गया था, इस संधि को किया गया था कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के देश हैं वो देश हथियारों को चंद्रमा में लेकर नहीं जाएंगे, हथियारों को अंतरिक्ष में स्थापित नहीं करेंगे। इस चीज को लेकर समझौता किया गया था, समझौता किया गया था कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वहां पर किसी भी प्रकार का हार्मफुल हथियार को नहीं रखा जाएगा। इस बात को किया गया था कि अंतरिक्ष में कोई भी ऐसे खतरनाक हथियार को प्रतिस्थापित या फिर स्थापित नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग या फिर जिसका जिसकी वजह से डर स्थापित किया जा सके पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर। तो इस बात को लेके ये समझौता किया गया था। अब हम देखते हैं एक एक करके। पहला हमने देख लिया, बिल्कुल सही था। दूसरा कहता है यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है भारत ने हस्ताक्षर किया लेकिन संधि की पुष्टि नहीं की। जी नहीं, गलत है। भारत इसको हस्ताक्षर भी करता है और इसको पुष्टि भी करता है। हस्ताक्षर और पुष्टि करने का मतलब क्या होता है कि भारत इस समझौते को मानता भी है और यदि इसको लागू करता है तो इसे पुष्टि करना कहा जाता है। और भारत इस समझौते को हस्ताक्षर भी करता है, पुष्टि भी करता है, तीसरा गलत हो जाता है। चौथे कथन में क्या कहता है कि अमेरिका और भारत ने इस संधि का हवाला देते हुए भारत के हालिया सफल एंटी सैटेलाइट यानी कि एसेट मिसाइल परीक्षण की आपत्ति जताई थी। फ्रेंड्स, ये गलत है, ये कल्पना है। जब इन दो देशों ने पहले ही ऐसे परीक्षण किए हुए हैं तो वह भारत को किस हिसाब से रोकने की कोशिश करेंगे? मतलब आपने कर लिया तो ठीक, यदि हम करने के लिए जाएं तो वो गलत। ऐसा नहीं है, ये कल्पना है। और इस तरह से कल्पना काल्पनिक लाइनें लिखी जाती हैं यूपीएससी के प्रश्न में। आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। क्यों गलत है हमने देख लिया है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। आपको ये इसलिए भी जानना महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि अभी इसी साल जो समझौता किया गया था उसका, इसी साल नहीं 2018 में 50 वर्ष पूरे हुए हैं। जो समझौता किया गया था उसे यूनी स्पेस समझौता कहा जाता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के स्टैटिक डिस्कशन में यहीं तक। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे डिस्कशन का PDF फ्री में प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल के थ्रू जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।